कोरोना वायरस बीमारी से ज़्यादा बीमारी का डर दिलों में बैठ गया है। डर, घबराहट और फिक्र, चिंता से बड़ी बीमारी कोई नहीं। आज से पहले भी कोरोना वायरस से ख़तरनाक बीमारियां दुनिया में आई और आकर चली गई। टीबी, काली खांसी, डिप्टेरिया, टेटनेस, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी, एड्स, पोलियो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां लाखों को मुतासर कर गई। कुछ बचे और कुछ चल बसे। दवाइयां और इलाज करने के बावजूद भी लोग मरे, और ऐसे भी लाखों लोग हैं जो इलाज किए बगैर जिए। तो ये क्या है? ये है कुव्वते मुदाफियत, बॉडी रेजिस्टेंस, बॉडी इम्यूनिटी। बस इसी पर जोर दें। पोलियो जैसी ख़तरनाक बीमारी का इलाज ही उसके खिलाफ कुव्वते मुदाफियत पैदा करना है। कुव्वते मुदाफियत बढ़ाने का या कुव्वते मुदाफियत को पैदा करने का बड़ा आसान तरीका बताता हूँ। हेल्दी फूड खाइए। हेल्दी फूड का डेफिनेशन फिर कभी आप सब जानते भी हैं, और इस वक्त मैं करना नहीं चाह रहा हूँ। जो जो टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ उन सब टर्मिनोलॉजी को आप समझिए। हेल्दी फूड खाइए, जितनी भूख है उतना खाइए, उससे ज़्यादा ना खाइए, उससे कम ना खाइए। फास्ट फूड, जंक फूड, प्लेजर फूड से परहेज करें। कोल्ड ड्रिंक, टेट्रा पैक जूस, इससे भी परहेज करें। नींद भर सोए कम से कम 8 घंटे, देर रात तक न जागें। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, जैसे दिन भर में 2 से 3 किलोमीटर चला करें। सुबह शाम मिलाकर 1.5 किलोमीटर सुबह चल लिए, 1.5 किलोमीटर शाम चल लिए। पानी का बराबर इस्तेमाल करें, पानी पीने का बराबर इस्तेमाल करें। हाथ, पांव और चेहरे की सफाई, खास करके नाक नाक का अगर नाक की सफाई, जैसा कि हम वजू में करते हैं, उंगली को नाक में डालकर नाक को साफ़ करते हैं, तो ये 3 चीज़ की सफाई करें। हर तरह के फ्रूट खाइए, केला ही खाइए, संतरा ही खाइए, ऐसा नहीं, हर तरह के फ्रूट खाइए। जितनी तरह के फ्रूट बाज़ार में अवेलेबल है, आज कुछ खा लिया, दोपहर में कुछ खा लिया, शाम में कुछ खा लिया, तरह तरह के फ्रूट खाइए। चना, सेंगदाना, बादाम, पिस्ता, खजूर, शहद, जो महंगी चीज़ें हैं वो ना खाओ, ना खा सको तो ना खाओ, मगर जो सस्ती चीज़ें हैं वो तो खा सकते हैं। चना, सेंगदाना, खजूर, शहद, इसका इस्तेमाल करें। और आखिर में अल्लाह सुबहान ताला से दुआ करें कि अल्लाह सुबहान ताला हमको, आपको, उम्मत मुसलमान को और दुनिया की तमाम मखलूक इंसानियत को इस बीमारी और ऐसी हर बीमारी से जो है वो हिफाजत कराएं। आमीन सुम्मा।